तो भाई अभी दूल्हा सज रहा है, तैयार हो रहा है, ठीक है, देख ही सकते हैं। प्रभु आंखें खोलो, दर्शन तो हमारा दूल्हा जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, हैंडसम भी लग रहा है, ठीक है, देख सकते हैं। बहुत खुश है, बहुत ही एक्साइटेड है। और विक्की भाई वहाँ पे जाके हंस रहा है, खिला खिला, उसका भी बारी आने वाला है, इसका भी बारी आने वाला है। तो भाई खाने में बहुत कुछ है, चिकन है, पनीर है। फिलहाल दोस्तों हम लोग आ गए थे एयरपोर्ट रायपुर का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। ये अंधेरा है, भोर के लगभग 4:30 बज रहा है। तो भाई देख ही सकते हैं मिलन भाई का अभी मेहंदी रस्म चल रहा है, ठीक है। एक हाथ में तो लग चुका है, भाभी जी का तस्वीर भी दिखाई दे रहा है मेरे को अच्छे तरीके से, ठीक है, और दूसरे हाथ में लगाया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लोग, भाभी लोग, बहन लोग, सभी को लगा रहे हैं। कैसा लग रहा है मिलन? बहुत खुश नजर आ रहा है मिलन। मेहंदी जो है मैं भी लगाऊंगा, ठीक है। अरे वो करके ना उंगली से और रगड़ देना। तो फिलहाल दोस्तों देख ही सकते हैं मिलन भाई पूरा मेहंदी लगा चुके हैं दोनों हाथ में। रोल कैमरा एक्शन। तो हे गाइस, कैसे आप सब, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल मैं आ गया था विक्की के घर विक्की को लेने के लिए, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं शादी में बारात, ठीक है। तो अंबिकापुर से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पे, तो बहुत ही मजा आने वाला, क्योंकि आज मेरा यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंजॉय करने वाले, बहुत ही ज्यादा मजाक करने वाले, ठीक है। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे ब्लॉग पे बने रहेगा, क्योंकि अभी यहाँ से निकलेंगे तो लगभग 7 बज रहा है, 7 बजे निकलेंगे तो लगभग 3 या 4 बजे पहुंचने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला, क्योंकि 4-5 घंटा की सफर होगी, ठीक है। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा। फिलहाल मैं आ गया था विक्की के घर विक्की को रिसीव करने के लिए, विक्की को लेकर निकलेंगे सीधा बारात। अंबिकापुर से बारात निकल चुका है, कालीघाट आया था थोड़ा सा दर्शन करने के लिए भगवान जी का, ठीक है। उसके बाद जाएंगे और दूल्हा साहब को दिखा देता हूँ। दूल्हा साहब कहाँ है? दूल्हा कोई दूल्हा पूजा करने गया है, जूता खोलना पड़ेगा फिर। चलिए दोस्तों दिखाता हूँ दूल्हा को। दूल्हा पहले भगवान जी का दर्शन करेगा, उसके बाद ही निकलेगा। दोस्तों दूल्हा को थोड़ा दर्शन करवा देता हूँ भगवान जी का। जय हो शिव जी, जय भोलेनाथ। और भाई बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। बिक्के भी जा रहा है साथ में। तो भाई अभी मिलन भाई को लेकर जा रहा हूँ दर्शन करवाने के लिए महामाया मंदिर, ठीक है। और मैं भी जा रहा हूँ और विक्की भाई भी जा रहा है, प्रणाम कर ले नीचे। फिलहाल दोस्तों अंबिकापुर से निकला था, 2 बज गया है, अभी रायपुर पहुंचने वाले हैं, लगभग 100 किलोमीटर बचा हुआ है और भूख बहुत ही जोर से लगा था। तो छोटा सा ढाबा में रुके हैं, सभी को एक खाना वाना खा लेंगे, क्योंकि भूख सभी को बहुत ही जोर से लगा है, ठीक है। और मेरे को भी ना बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है, जल्दी से कुछ खा लेता हूँ खाना वगैरह, ठीक है, फिर निकलेंगे। फिर तो भाई खाना वाना खा लिए हैं, अब जाएंगे फिर से निकलेंगे, ठीक है, अब सीधा डायरेक्ट रायपुर पहुंच के मिलते हैं। सो क्या है? वहां जाके हो गया आराम से। तो फिलहाल दोस्तों रायपुर पहुंच गए हैं, घड़ी चौक के पास ही खड़े हैं अभी, ठीक है, निकलेंगे। तो भाई देख ही सकते हैं रायपुर से मेरा दोस्त ये अंबिकापुर गया था दीपावली टाइम, और आज मिल गए लगभग
दो तीन महीना, दो महीना हो गया, एक महीना हो गया है। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं, ठीक है, शादी में। यहाँ से जाएंगे, 150 मीटर बाकी है, उसके बाद पहुंच जाएंगे। देख ही सकते हैं सुबह निकले थे और अभी शाम हो चुका है। तो भाई अभी दूल्हा सज रहा है, तैयार हो रहा है, ठीक है, देख ही सकते हैं। प्रभु आंखें खोलो, दर्शन हमारा दूल्हा जो है पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, हैंडसम भी लग रहा है, ठीक है, देख सकते हैं। बहुत खुश है, बहुत ही एक्साइटेड है। और विक्की भाई वहाँ पे जाके हंस रहा है, खिला खिला, उसका ही बारी आने वाला है, इसका ही बारी आने वाला है कुछ ही सालों में। और मिलन कैसा लग रहा है, नर्वस? यहीं पे शादी हो रहा है, ठीक है, हो रहा मंडप। और फिलहाल अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए, ठीक है, अभी सभी को जा रहे हैं खाना खाने। मैं, विक्की और धनंजय, क्योंकि भूख बहुत ही जोर से लगा है। तो भाई खाने में बहुत कुछ है, चिकन है, पनीर है, चाउमीन है, ये कटलेट है, सलाद है, दाल है, और भी बहुत कुछ है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है। जल्दी से इसको फिनिश कर लेता हूँ, ठीक है। और भाई तो पहले से खा रहा है, धनंजय भी खा रहे हैं। मैं अभी स्टार्ट, फिलहाल दोस्तों खाना वाना खा लिए हैं और ऊपर आ गए हैं, ठीक है, देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, सभी कोई खाना वगैरह खा रहे हैं। और लगन जो है 12 बजे का लगन है, है ना, और अभी बज रहा है 10 11 बजे 11 नहीं 11.30 11.30 से तेरा 12 बजे। चलो तो भाई अभी जा रहे हैं दुल्हन का फोटो लेने, ऊपर से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, नीचे तो नहीं जाएंगे, यहीं से दिखा देता हूँ आप लोग को दुल्हन। और ये फोटोशूट चल रहा है दुल्हन का भी। तो भाई फाइनली मिलन भाई जा रहा है अभी मंडप पे। मिलन, आर यू एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड। डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना। चलो भाई, चलो चलो चलो। नहीं जा से ना दोनों भाई, ठीक है,
तुम खड़े रहो, देखते रहो। दोस्तों देख ही सकते हैं मेरा दोस्त रस्में कस्में वादे सब कुछ निभा रहा है अभी, ठीक है। और वहाँ पे मंत्र वगैरह पढ़ा जा रहा है और सात जन्मों की कस्में खाई जा रही है और मैं यहाँ पे बैठ बैठ के देख रहा हूँ भाई का साथ और बाकी लोग भी देख रहे हैं। हालांकि अभी 12:01 बज चुका है, रात पे बहुत ज़्यादा रात हो चुका है और यहाँ पे रस्में कस्में वादे निभाए जा रहे हैं। ऐसा ही होता है शादी, भाई का शादी। भाई गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और शादी भी हो चुका है और फिलहाल अभी 4 बज रहा है और हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट घूमने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग आ गए थे एयरपोर्ट रायपुर का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। अभी अंधेरा है, भोर के लगभग 4:30 बज रहा है और मेरे सामने देख सकते हैं बहुत ही बड़ा विशाल एक तिरंगा है जो लहरा रहा है शानदार तरीके से और फिलहाल अभी अंधेरा है इसी कारण से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर शांत है, यहाँ पर कोई ज़्यादा लोग है नहीं अभी फिलहाल, ठीक है। कुछ लोग आए हुए हैं मॉर्निंग वॉक पर और हम लोग भी ऐसे ही आए हैं क्योंकि अभी अंबिकापुर भी जाना है, ठीक है। तो सोचे कि थोड़ा सा घूम लेते हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया भाई। तो फिलहाल दोस्तों देख ही सकते हैं हम लोग आ गए थे एयरपोर्ट, ठीक है। और अभी तो सुबह का टाइम है, लगभग 4:30 बज चुका है और देख ही सकते हैं बंद है अभी, अंदर तो जाने का परमिशन है नहीं ऐसे, तो बस हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं पार्क में, काफ़ी बड़ा है। तो भाई यहाँ पे देख ही सकते हैं बहुत ही बड़ा झंडा है जो लहरा रहा है बहुत ही शानदार तरीके से, काफ़ी बड़ा है ना तरंजे, मस्त लग रहा है। और एयरपोर्ट का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, बहुत ही बड़ा है इंटरनेशनल हवाई अड्डा। तो फिलहाल दोस्तों अभी जा रहे हैं व्यू पॉइंट में, व्यू पॉइंट से पूरा देखेंगे, मस्त दिखेगा। और देख सकते हैं अभी बहुत ही शानदार लग रहा है जो झंडा जो लहरा रहा है, ठीक है, अभी पूरी तरीके से लहरा रहा है। तो चलिए चलते हैं व्यू पॉइंट, ऊपर से देखेंगे कितना शानदार नज़ारा, ठीक है। ये रहा व्यू पॉइंट, अंधेरा में तो कुछ दिख नहीं रहा है अच्छे से और यहाँ पे कोई सो रहे हैं बस। चल दोस्त बाय बाय। दोस्तों सुबह हो चुका है, अभी निकल रहे हैं हम लोग अंबिकापुर के लिए। तो फिलहाल दोस्तों अभी रायपुर से निकल चुके हैं और यहीं टपरी पर रुके हुए थे चाय वगैरह पीने के लिए, ठीक है। तो अभी निकलेंगे घर अंबिकापुर, लगभग 4 बजे जाएगा, ठीक है। चलिए बने रहेगा ब्लॉग से कंटिन्यू और यहीं पे चाय नाश्ता कर रहे थे अभी, सुबह का टाइम है, सुबह सुबह चाय। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं यहाँ से, ठीक है, मैं तो पीछे बैठूँगा। बंद कर दो उसको। रायपुर क्रॉस कर रहे हैं, शानदार गाना चल रहा है, वैसे गाना का आनंद लेते हुए गा रहे हैं।
तो भाई लंबा सफ़र तय करके घर आ गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। नहाऊंगा धोवाऊंगा फिर थोड़ा सा आराम करूँगा, ठीक है। तो आज का वीडियो का एंडिंग यहीं पे करता हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्यारा से कमेंट करिएगा। और हाँ दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। अभी थोड़ा सा आराम करूँगा क्योंकि थक गया हूँ, बहुत ही लंबा सफ़र था 2-3 का। बाय।